दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लॉकडाउन हो रखा है, कुछ लोग अपने घर में बंद हैं तो कुछ लोग बाहर ही फंस गए हैं। हम आपको जैकी श्रॉफ के बारे में बता चुके हैं कि वो लॉकडाउन में मुंबई और पुणे के बीच कहीं फंसे हुए हैं। अब वैसा ही कुछ दृश्य में अजय देवगन के ऑपोजिट आपको नजर आई एक्ट्रेस श्रेया सरन के साथ हो गया है। श्रेया अपने पति आंद्रेई कोशिव के साथ स्पेन के बार्सिलोना में फंसी हुई है। सनद रहे कि दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की लिस्ट में स्पेन तीसरे नंबर पर है। ऊपर से श्रेया के पति में जब COVID-19 वाले कुछ लक्षण दिखने लगे तो वो हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि इन्हें यहां से ले जाइए। अब ऐसा क्यों हुआ ये जान लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में श्रेया ने बताया कि वो अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने स्पेन गई थी। 13 मार्च को जब वो अपने पति के साथ बाहर निकली तब उन्हें मामले की गंभीरता समझ आई। जिस रेस्टोरेंट में उनकी बुकिंग थी वो बंद हो चुका था, पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था, पुलिस एक परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य को बाहर निकलने के लिए अलाउ कर रही थी, वो भी तब जब बहुत जरूरी हो। एक बार तो श्रेया और उनके पति को भी पुलिस ने रोक लिया, लेकिन आंद्रे व्हाइट हैं और श्रेया इंडियन है तो पुलिस वालों को लगा कि ये साथ नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तब शुरू हुई जब आंद्रे के गले में खराश होनी शुरू हुई और बुखार आने लगा। अफरा तफरी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उन्हें देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। बकौल श्रेया डॉक्टरों ने कहा कि यहां से इन्हें ले जाइए, अगर इन्हें COVID-19 नहीं भी है तो अस्पताल में रहने से हो सकता है। इसके बाद श्रेया आंद्रे को घर ले आई, दवाइयों के साथ प्रिकॉशंस भी लेना शुरू किया। दोनों ने अलग अलग कमरों में सोने लगे, सुरक्षित दूरी बनाए रखी और सेल्फ आइसोलेशन में बने रहे। अब आंद्रे की तबीयत ठीक है। श्रेया ने यह भी बताया कि स्पेन में लोग रोज रात 8 बजे अपनी बालकनियों में आते हैं, 10 मिनट तक तालियां बजाते हैं, गाने गाते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। श्रेया तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 2001 में इष्टम नाम की तेलुगु फिल्म से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 2003 में रितेश देशमुख के साथ वो तुझे मेरी कसम हिंदी फिल्म में उन्होंने डेब्यू किया। फिर अपनी पहली तमिल फिल्म उन्होंने धनुष के साथ की। 2008 में वो हॉलीवुड फिल्म दी अदर एंड ऑफ द लाइन में काम कर चुकी हैं, लेकिन हिंदी फिल्म की ऑडियंस ने उन्हें पहचाना 2007 में आई फिल्म आवारापन के बाद, जिसमें वो इमरान हाशमी के ऑपोजिट नजर आई थी। हालांकि इन्हें सबसे ज्यादा रजनीकांत की फिल्म शिवाजी द बॉस के लिए जाना जाता है। श्रेया आखिरी बार एनटी रामा राव की लाइफ पर बनी फिल्म एनटीआर कथायन कुडू में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी। ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। कीप फॉलोइंग द ललन टॉप। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।